नमस्कार, बलिया लाइव के ऑडियो बुलेटिन होत फजीरे के 2 नवंबर 2019 के एडिशन में आपका स्वागत है। सदर रजिस्ट्री कार्यालय में दस्तावेजों में फेरबदल कर जमीन नामांतरण कराने के मामले में प्रभारी उपनिबंधन लक्ष्मण चौबे ने रजिस्ट्री कार्यालय के सहायक उपनिबंधक, कर्मचारी, भूखंडों के क्रेता, गवाह और दस्तावेज लेखक समेत कुल 30 लोगों के खिलाफ शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। इससे पहले 21 अक्टूबर को सदर रजिस्ट्री कार्यालय में 1981 से 2019 के बीच तैनात रहे 3 प्रभारियों समेत कुल 13 उपनिबंधकों पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया गया था। पकड़े जाने के कुछ घंटों बाद ही पुलिस कस्टडी से गाजियाबाद जिला अस्पताल से भाग निकला 8 साल की सौतेली बेटी से दुष्कर्म की कोशिश का आरोपी। बलिया जिले के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र निवासी फिरोज उर्फ राजू ने दूसरे संप्रदाय की महिला से शादी की थी। गाजियाबाद की उक्त महिला 4 बच्चों की मां बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी साइको टाइप का है। कस्टडी से उसके फरार होने के बाद मुकदमा दर्ज कराने वाली महिला और उसके 4 बच्चों की जान को खतरा पैदा हो गया है। जिलाधिकारी के आदेश पर शुक्रवार को मनियर पुलिस ने पनीचा के प्रधान राजेश कुमार वर्मा के खिलाफ उत्तर प्रदेश गुंडा अधिनियम के तहत जिला बदर की कार्रवाई कर दी। पुलिस के मुताबिक पनीचा के प्रधान पर 1 वर्ष के भीतर मारपीट, बलवा और मिनी गुंडा एक्ट सहित कई संगीन अपराध दर्ज किए गए हैं। वहीं कई मामलों में वांछित होने के साथ ही गांव में सौहार्द बिगाड़ने के आधा दर्जन मामलों में भी वांछित है। ओडीएफ में धांधली करने के आरोप में डीपीआरओ के निलंबन के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। शासन ने गुरुवार को डीपीआरओ से शेष देव पांडे को निलंबित करने का आदेश दिया था। सीडीओ बद्रीनाथ सिंह ने चेताया कि शौचालय और आवास निर्माण में किसी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ठंड में नवम्बर के पहले दिन ही अचानक इतना घना कोहरा गिरा कि बांसडी इलाके में वाहनों का दिन में चलना भी मुश्किल हो गया। हालांकि सुबह करीब 7 बजे के बाद कोहरा समाप्त हो गया। ग्रामीणों की माने तो नवंबर के शुरू होते ही घना कोहरा ठंड को दस्तक देना माना जा सकता है। पुलिस ने शुक्रवार की सुबह बैरिया के श्रीनगर गांव के समीप 15,000 के इनामी बदमाश अजय सिंह निवासी श्रीनगर को गिरफ्तार कर लिया। वह कई मामलों में वांछित था। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और आमी बचाओ मंच के अध्यक्ष विश्वविजय सिंह को प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पूर्वांचल जोन का प्रभारी नियुक्त किया है। पूर्वांचल जोन के अंतर्गत गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, वाराणसी और मिर्जापुर मंडल के कुल 16 जिले आते हैं। वे इनमें पार्टी को मजबूती के लिए काम करेंगे। प्रदेश सचिव देवेंद्र निषाद, शाहनवाज आलम, सरिता पटेल और देवेंद्र सिंह के साथ मिलकर विश्वविजय सिंह कांग्रेस की विचारधाराओं को जन जन तक पहुंचाएंगे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि जयप्रकाश नगर के संसार टोला स्थित गोवर्धन पहाड़ मंदिर पर शुक्रवार को वैदिक मंत्रोच्चार के बीच प्रतिमा स्थापना संग पूजन अर्चन हुआ। समारोह में कोडरहा नौबरार ग्राम पंचायत के अलावा सिताब दियारा के यूपी और बिहार के हिस्से में पड़ने वाले 4 ग्राम पंचायतों तथा बलिया के कोने कोने से लोग पहुंचे। उत्तर प्रदेश और बिहार सीमा स्थित गायघाट दियारे का सीमा विवाद प्रधान सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पटना बिहार में पहुंच गया है। गायघाट का 800 एकड़ क्षेत्रफल बिहार प्रदेश के बक्सर जिला अंतर्गत त्रिवेदी आयोग के फैसले के बाद पूरा मौजा बिहार में चला गया था। बलिया के गायघाट के मूल निवासी द्वारा परिवाद दाखिल किया गया था कि उत्तर प्रदेश के 31 गांवों की भूमि बिहार में चली गई है, जहां फसल काटने के समय दोनों प्रांतों के किसानों के बीच अक्सर विवाद होता रहता है। शुक्रवार की सुबह वाराणसी छावनी क्षेत्र स्थित रणबांकुरे स्टेडियम में आजमगढ़ जिले के युवाओं ने सेना भर्ती में अपना दमखम दिखाया। 7,045 अभ्यर्थियों ने इस बार पंजीकरण करवाया था। 4,838 अभ्यर्थियों ने दौड़ लगाई, जिसमें 492 ने सफलता पाई। बलिया समेत पूर्वांचल के 12 जिलों के युवा इस रैली में 21 नवंबर तक अपनी अपनी बारी के मुताबिक भागीदारी करेंगे। मिलते हैं लेटेस्ट अपडेट के साथ फिर संझवत में। तब तक ले दीजिए इजाजत। धन्यवाद।